Hello my friends, welcome you all in Lakhraju English Academy. I hope you all good. Friends, I am going to discuss about very very important book, that is World History. Because last day I will share with you very important book like especially modern history and art and cultures post after independence. और सभी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो उसी अकॉर्डिंग जैसा आपने कमेंट किया, थैंक्स फॉर एवरीवन कि आपने कमेंट किया, तो उस वाले सेशन को अकॉर्डिंग दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि जीएस पेपर वन में यूपीएससी मेंस का हम अगर बात कर रहे हैं तो जैसा कि आप जानते हैं सभी दोस्तों, जो हिस्ट्री सेक्शन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री से चल कर के जो पूरी हिस्ट्री का कहानी होता है वो वर्ल्ड हिस्ट्री तक ही हमारा यहाँ पर आके ठहरता है। तो दोस्तों मैं आज आपके सामने दो किताब लेके आया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का, दोनों किताब के विषय में हम जानेंगे, लेकिन सबसे मैं बताऊँगा कि दोनों किताब क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, इस बात को समझिए। देखिए पहले चीज़ तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप समझ लीजिए कि मैं आपको किताब सर्व करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे ये पहला किताब, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एक्चुअली इट इज़ रिटन बाई अर्जुन देव। और इस किताब की खासियत क्या है कि यदि आप यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट थ्रू दिस बुक, तो आप इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस और टेम्परेबल क्वेश्चंस, एफर्टेबल क्वेश्चंस आप इसमें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और ये वाला जो पुस्तक है दोस्तों दो भाषा में आता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में ये किताब अवेलेबल है। तो ध्यान दीजिएगा अर्जुन देव के माध्यम से ये किताब लिखा गया है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इसके बाद दूसरी जो किताब है आपको और ही बेहतरीन, बहुत सारे स्टूडेंट नए अकॉर्डिंग इसको प्रेफर कर रहे हैं, ये आपका ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री नॉर्मन यहाँ पे देखिएगा लोवे का लिखा हुआ है, फिफ्थ एडिशन का न्यू किताब है, इसे ध्यान से देखिएगा। और इस किताब का दोस्तों क्या है कि इंग्लिश मीडियम में किताब आता है, लेकिन यदि मैं दोनों किताबें अपने हाथों में लेकर आपके सामने अगर एक बात रखने का प्रयास करूँ तो देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे और आपके बीच में, खास करके एज एन यूपीएससी एस्पायरेंट, एच एस पी सी एस एस्पायरेंट हम इस चीज़ को सहते हैं और समझते हैं कि इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ध्यान दीजिएगा कि जो लैंग्वेजेस हमें ईजी लगते हैं वो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि ये वाला किताब इस वाले किताब से काफ़ी इजी वे में, और वर्ड का भी इसका जो है काफ़ी तौर तरीके से अर्जुन देव वाली पुस्तक में बताया गया है। और ये जो किताब है काफ़ी बेसिक से लेकर के बड़े परसेप्शन तक इसको रखा गया है। तो देखिए मेरा मानना है कि यदि आप किताब अगर पढ़ना चाहते हैं तो देखिए इस एक्चुअली क्या है, एक छोटी सी किताब लगभग 180 पेजेस का है और ये आपको 300 पेजेस प्लस है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यूपीएससी में शॉर्ट सिलेबस होने की वजह से, ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में शॉर्ट सिलेबस होता है, और अगर मैं दोस्तों बात करूं कि क्या इंपॉर्टेंट होता है उसके अकॉर्डिंग ये अर्जुन देव का लोग ज़्यादातर पुस्तक यूज़ करते हैं। जैसे देखिएगा अगर हम लास्ट ईयर्स की बात करें कुछ प्रश्नों का, देखिएगा 2013 टू 2020 तो 2020 तक जो क्या है कि बहुत सारे वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं जीएस पेपर वन से, तो इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है आपका अमेरिकन रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, फिर से दोस्तों अनफिक्शन ऑफ जर्मनी एंड इटली, दैट मीन्स जर्मनी एकीकरण, इटली एकीकरण, और कोल्ड वॉर, उसके बाद दोस्तों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो ये जो टर्म होता है इन टर्म से ज़्यादातर प्रश्न बन के आए। तो इस हिसाब से ये किताब क्या होता है कि इन सभी चीज़ों को जो मैंने अभी आपके सामने बोला वर्ल्ड हिस्ट्री से, इसमें काफ़ी अच्छे से इसको समायोजित किया गया है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आप चाहे तो दोनों में से कोई भी एक किताब आप खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, ये दोनों ही किताब ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजन या फ्लिपकार्ट से आप इसे प्रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और सबसे खास बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं बता दूँ कि आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा मैप लोगो होगा, उससे देखिएगा ध्यान से, जो वर्ल्ड हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं खास करके जो मॉडर्न हिस्ट्री अटैच होने के बाद 16% का जो रेशियो है काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट यू दोस्तों कि प्लीज अंडरस्टैंड दिस सिचुएशंस एंड ऑफ कोर्स फॉलो योर रूटीन्स एंड स्पेशली द टॉप विद योर सिलेबस। सो जाइए सिलेबस को देखिए, समझिए, और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेक्शन होता है यूपीएससी मेंस एग्जाम में सिर्फ मेंस एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में बिल्कुल भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, आई रिपीट अगेन कि मैं बता दूं कि यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस बन के आते हैं दोस्तों सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, आपके दोस्तों बिल्कुल भी प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें, और हाँ जिस तरह कमेंट करें प्लीज़ कंटिन्यू इन दिस फॉर्म, और दोस्तों आप
बार बार कमेंट करते रहे कि नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए क्या होगा। और आई रिक्वेस्ट यू नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें, आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल है, इट इज फ्री फॉर यू, ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे डेली दोस्तों इंग्लिश के इंपॉर्टेंट्स वोकैब आपके लिए शेयर किए जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।